बॉलीवुड की सबसे फेमस मां में से एक रीमा लागू का निधन हो गया है। रीमा लागू बिल्कुल फिट थी पर हार्ट अटैक से उनका अचानक ही निधन हो गया। वो इन दिनों सीरियल नामकरण में काम कर रही थी। वहीं उनके निधन के बाद उनकी जगह एक्ट्रेस रागिनी शाह को नामकरण में दयावंती के कैरेक्टर के लिए कास्ट किया गया है। अचानक हुए इस हादसे और सीरियल में एंट्री के बारे में रागिनी शाह ने बहुत सारी बातें शेयर की। इतना जरूर कहूंगी कि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है इतने सालों का। आज तक कभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है, ना मैंने कभी किया है, मगर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, हेल्प करनी पड़ती है, बिकॉज इंडस्ट्री सेम है, चाहे वो सीरियल हो या फिल्म हो या थिएटर हो। अच्छा एक फील होता है कि कोई कहाँ पे रुक गया है, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है तो आप बाजू में जाके खड़े रहे। और मैं रीमा जी को जानती थी क्योंकि वो भी, उनका भी थिएटर बैकग्राउंड है, मेरा भी थिएटर, तो कभी कभी मिलना जुलना होता भी था। शी वॉज वेरी नाइस एंड वेरी स्वीट पर्सन। तो वो गिव एंड टेक, इसलिए सडनली कभी सोचा नहीं हो कि इतनी जो भी दोस्ती यारी थी हमारी, मगर ऐसा कुछ करना पड़ेगा। मगर बात ही ऐसी हो गई तब क्या कर सकते, हालात थे तो उसको संभालना था, और ऑन एयर सीरियल है तो वो भी संभालनी है कि एपिसोड्स जा रहे हैं डेली। तो श्वेता को ही था कि भाई हमारी मासा वो ये रोल करेगी, और उसी ने मुझे फ़ोन करके किया कि आपको ये लोग कांटेक्ट करेंगे और आपको ये करना है, मेरे लिए भी आपको करना है। और मुझे तो सुबह, हमको तो फौरन पता चल गया क्योंकि हमारे थिएटर में से न्यूज़ आ जाते हैं फौरन से, तो मुझे कह के मासा ऐसी ऐसी बात है और आपको ये करना है, आप क्या मैं दूसरे कमिटमेंट नहीं, उनको आप कुछ भी करके एडजस्ट कर लो, ना बोल दो, मगर आपको ये करना है, संभाल लेना है। सो नेचुरली मैं समझ सकती हूँ कि क्या प्रॉब्लम होगी, कैसा सिचुएशन और क्या टेंशन होगा इनका। दर्शक जो भी हैं पसंद करें और ओपनली मुझे उनके रिव्यूज़ मिले कि कैसा लगा उन्होंने।